हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केरला टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिटीजन विद पासपोर्ट। दूसरा बात करेंगे मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुर्मुगांव कमीशन इनटू इंडियन नेवी। अब बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि INS मुर्मुगांव जो है वो प्रोपेल्ड है बाई 4 पावरफुल गैस टर्बाइन और ये कैपेबल है अचीव करने के लिए कितनी स्पीड 30 नॉट्स के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बिल्ट इसको बनाया गया अंडर प्रोजेक्ट 15B और 75% बिल्कुल इंडिजिनस कंटेंट है इसमें। और अगर बात करें 163 मीटर लॉन्ग एंड 17 मीटर वाइड है। दिस शिप इज डिजाइन बाय द वारशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय मजगांव डक शिप बिल्डर्स के द्वारा बिल्कुल इसको बनाया गया, ठीक है। बेसिक चीजें हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इंडिया सरगम कौशल विंस मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल बिल्कुल इनको मिला है, तो पता होना चाहिए। स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहां पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। काफी चर्चा में रहता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक नोटिफिकेशन के, मतलब देखिए कोई भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम का अगर फायदा उठाना चाहता है, इसको लागू करता है, तो भाई वो एस्टैब्लिश कैसे क्या करेगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसको लीगल स्टेटस मिलता है माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 जिसे अमेंड किया गया 2015 में, इसके तहत ये याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मेन जो पर्पज है इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम का, वो है टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन एंड एरियाज। देखिए जो लोग जिन एरियाओं में रहते हैं जहां पे माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये स्कीम है बिल्कुल। और ओडिशा का क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, जो भी प्रोनंसिएशन है आपका, ओडिशा का क्योंझार डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया का हाईएस्ट रिसिपिएंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब हाईएस्ट रिसिपिएंट फंड जो है ना, मतलब इस योजना स्कीम के तहत वो इस डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, ठीक है गाइस। दूसरा हम बात करते हैं किरकुक के बारे में। ये शहर है इराक का, काफ़ी चर्चा में रहता है, तो पता होना चाहिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ से क्या कौन से स्टेट, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलान करना पूछ लेते हैं, तो शहर के बारे में पता होना चाहिए कौन से क्या देश का है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जो कब से कब तक चला, 20 नवंबर से 18 दिसंबर, और जो फाइनल मैच था उसमें अर्जेंटीना जीत चुकी है बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप 2022 को। और फाइनल में दो टीमें अर्जेंटीना ने किसको हराया, फ्रांस को हराया था, और इस गेम में 32 टीम थी। और होस्ट कंट्री की बात करें तो कतर के यहाँ पे होता है। अब देखिए अगर आप किसी भी वनडे SSC कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो उनमें पूछ लेते हैं कि भाई पहला मैच कौन से देश के साथ हुआ है ना, किन किन दो के बीच में हुआ, फाइनल किस फाइनल में कौन सी टीमें थी, किसने जीता, ये कौन सा टाइटल था उनका, थर्ड था या, है ना, जो भी है। और मैप में भी लोकेशन जरूर एक बार देख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए पहले की तरह चर्चा में रहता है जैसे वो सिटीजनशिप वाला, सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम 3 नेशन। वो 6 माइनॉरिटी ग्रुप कौन से क्या है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन फ्रॉम पाक, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी अलाउड टू प्रोड्यूस एक्सपायरी पासपोर्ट। मतलब ये सब चर्चा में हजार बार डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।